नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश इलेक्शन बुलेटिन में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले विंध्य क्षेत्र के रीवा, सीधी और सिंगरौली में दो दो आम सभाएं संबोधित कर यहां के मतदाताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को लामबंद करने के लिए जनसभाएं आयोजित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा सीट के खटखरी में आम सभा को संबोधित करते हुए कई सारे वादे किए, साथ ही कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि प्रदीप पटेल अगर जो मांगे रखेंगे एक महीना के अंदर उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। बहरहाल यह विधानसभा सीट में लगातार मऊगंज बनाने की मांग चलती रही है, लेकिन पिछले 5 सालों से यह मांग लामबंद हुई, आवाज बुलंद हुई, लेकिन अब तक यह मांग पूरी नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरे हर एक काम में गुस्सा करती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि शिवराज सिंह चौहान बिजली का बिल माफ कर रहे हैं, इसलिए उनको गुस्सा आता है। कांग्रेस पार्टी किसानों की विरोधी है, हम किसानों के साथ में हैं, तो कांग्रेस को गुस्सा आता है। ऐसी तमाम बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज की जनता के साथ रखी, उनके बीच गए और लगातार कटाक्ष करते हुए कई प्रहार किए और राहुल बाबा पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया। सम्मानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, सह प्रभारी मुन्ना जी, मंच पर उपस्थित श्रीधर प्यासी जी, बाला प्रसाद जी, तुलसी सेठ, मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी मऊ विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय प्रदीप पटेल जी को आमंत्रित करूंगा स्वागत भाषण के लिए। आदरणीय प्रदीप पटेल जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरे हर एक काम में गुस्सा करती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि शिवराज सिंह चौहान बिजली का बिल माफ कर रहे हैं, इसलिए उनको गुस्सा आता है। कांग्रेस पार्टी किसानों की विरोधी है, हम किसानों के साथ में है, तो कांग्रेस को गुस्सा आता है। ऐसी तमाम बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज की जनता के साथ रखी, उनके बीच गए और लगातार कटाक्ष करते हुए कई प्रहार किए और राहुल बाबा पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया। गौरतलब है कि मऊगंज रीवा जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां अब तक की कोई भी भाजपा का प्रत्याशी जीत नहीं सका है। इसके पहले लक्ष्मण तिवारी वहां से विधायक जरूर हुए थे, लेकिन लक्ष्मण तिवारी उस समय श्रवण समाज पार्टी से चुन कर गए थे और फिर अंत में वो उमा भारती के कहने पर, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री थी, उनके कहने पर अपनी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। यहाँ से 4:30 बजे भूत से उड़ना पड़ेगा और समय कम है, क्योंकि मैं सिद्धे मंच कहूंगा और मंच पूरा नहीं मानेगा। सिद्धे मंच और यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, अभी हमारे लोकप्रिय और यशस्वी उम्मीदवार भाई प्रदीप पटेल, जिनकी पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा करते हुए गुजरी है, गरीबों के इनके दिल में तड़प है, जिद है, जुनून है, जज्बा है। अभी उन्होंने उन्होंने कहा यहाँ की जनता ने कुछ मांगे मुझसे की है। मैं आज ध्यान से मेरी बात को सुनना। 2008 और 2013 के चुनाव में भी मैं मऊगंज क्षेत्र में आया था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं पाई। आज मैं केवल ये कहने आपसे आया हूँ, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मऊगंज से जिता के तो देखो, जो आपने कहा है वो सबसे बड़ा सिंह चौहान करके दिखाएगा। वर्षों से यहाँ
या तो कांग्रेस जीती या दूसरी पार्टियां जीती, हम यहाँ विजय के लिए तरस गए बहनों और भाइयों। एक बार शिवराज पे विश्वास कीजिए, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कीजिए, कमल के फूल पे विश्वास कीजिए, प्रदीप पटेल पे विश्वास कीजिए, भाजपा के नेताओं पे जनार्दन जी, अटल जी, सांसद जी और पूरा नेतृत्व, इन पर विश्वास कीजिए। मैं आपकी सारी मांगे पूरी करके आपको दे दूंगा। और तो पहले बाण सागर बांध की बात हुई थी, बाण सागर का पानी कभी रीवा की धरती पर नहीं आया, लाया तो शिवराज सिंह चौहान लाया। और केवल बाण सागर में नई गली जो सिंचाई की योजना हमने बनाई है, नई गली सिंचाई की योजना में हमारा माइक्रो जो इरीगेशन की योजना है उसमें मऊगंज विधानसभा क्षेत्र का भी हिस्सा आएगा। लेकिन हनुमाना वालों, आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस धरती को मैं सूखा नहीं रखूंगा। अगर बड़े बांध नहीं बने तो छोटे बांध हम बनाएंगे, छोटे तालाब हम बनाएंगे, और कैसे भी पानी धरती पर हम लेके आएंगे। कांग्रेस ने क्या किया, मध्य प्रदेश को गड्ढोवादी सड़कें दी, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को घनघोर अंधेरा दिया, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसी इलाके का हिस्सा बहेरा डावर से पिपरा ही तक इस पूरे इलाके के 40 किलोमीटर की आदिवासी पट्टी में बिजली अगर पहुंचाई तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई, शिवराज सिंह चौहान ने पहुंचाई। कांग्रेस ने अंधेरों का मऊगंज और मध्य प्रदेश छोड़ा था, हमने नया उजाला देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने गड्ढों वाली सड़कें दी थी, हमने शानदार सड़कें बनाने का प्रयास किया है। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग आज एक विज्ञापन दिखाते हैं तो गुस्सा आता है, अरे गुस्सा जनता को थोड़ी आता है, गुस्सा कांग्रेसियों को आता है। हमने शानदार सड़कें बना के दी, इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। हमने गरीब के घर में भी बिजली का कनेक्शन दिया, इससे कांग्रेस को गुस्सा आता है। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी 1 रुपए को गेहूं चावल नमक नहीं खिलाया। मैंने अपनी गरीब जनता को, चाहे किसी भी जाति और समाज की हो, 1 रुपए को गेहूं चावल और नमक खिलाया, इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। और आज यहाँ खड़े होकर मैं कह रहा हूँ मेरे बहनों और भाइयों, जितने गरीब भाई बहन है किसी जाति और समाज के हो, कांग्रेस ने कभी किसी के घर नहीं बनवाए। 2022 तक मेरे सांसद जनार्दन जी बैठे हैं, नेतृत्व बैठा है, प्रवीण का खड़े हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र का कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनवा दिए जाएंगे। कांग्रेस ने पक्के मकान नहीं बनवाए, हम अपने गरीबों के पक्के मकान बनवा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में किताबें दी, इससे कांग्रेस को गुस्सा आता है। मैंने बेटियों को स्कूल जाने के लिए साइकिलें दिलवाई, इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। हमने तय किया कि बिजली के बड़े बड़े बिल जो गरीब भाई बहन दे नहीं पा रहे थे, उनके बड़े बड़े बिजली के बिल अब वो नहीं भर पाएंगे, वो मैं भरवाऊंगा। अरे 77 लाख लोगों के 6000 करोड़ रुपया के बिजली के बिल मैंने भरवाए। विधानसभा 49,453 परिवारों के 25 करोड़ रुपया मैंने भरवा के बिजली के बिल जीरो करवाए, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मेरे बहनों और भाइयों, हमने किसानों को 18% के बजाय 0% ब्याज पर कर्जा दिया, इनके कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। एक किसान भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में गेहूं का 1735 रुपए क्विंटल, मैंने 2000 रुपए क्विंटल खरीदा, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। सोयाबीन में 500 रुपए क्विंटल अलग से दूंगा, धान 1750 रुपए क्विंटल से कम में नहीं बिकेगा, किसान को पसीने की पूरी कीमत दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम किसानों को पूरे दाम देते हैं, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। हमने तय किया कि मेरी गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया उन बहना के खाते में डलवाते हैं, ताकि गरीब बहन के घर लड्डू बन जाए, बधाइयां गाई जाए, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मैंने बेटी को डायनी लक्ष्मी बनाया, इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मेरे भांजे भांजी जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ, वो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, उनकी फीस मैंने भरवाई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़े, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, आई आई टी में पढ़े,
मेरे बच्चों चिंता मत करना, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। उन्होंने कभी बच्चों की फीस नहीं भरवाई, मैं बच्चों की फीस भरवाता हूँ, इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। अरे कहीं एक्सीडेंट अगर हो जाए और मौत हो जाए तो 4 लाख रुपया खाते में भिजवाता हूँ, इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। गरीब परिवार में अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया में नगद भिजवाता हूँ, इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। और मेरे बहनों और भाइयों, मैं बेटियों की शादी करवाता हूँ, इससे कांग्रेस को गुस्सा आता है। मैं बेटियों के कन्यादान के साथ साथ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता हूँ, इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। कितने काम बताऊं बहनों और भाइयों, मैंने गरीब की जिंदगी बदलने की कोशिश की, इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मैंने किसान की जिंदगी बदली, इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मैं महिला सशक्तिकरण कर रहा हूँ, इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। और इसलिए और गुस्सा आता है, एक किसान का बेटा 15 साल से मुख्यमंत्री बने बैठा है, हमें कुर्सी नहीं मिल रही, और कुर्सी के बिना कैसे जिए, रात में भी गाते रहते हैं, एक कुर्सी तेरे बिना भी क्या जीना, कब आएगी। 15 साल हो गए, ये किसान का बेटा बैठा हुआ है, 15 साल से कुर्सी के बिना रह रहे हैं, इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मऊगंज विधानसभा के बहनों और भाइयों, आज ज्यादा समय नहीं है, मैं आज आपकी अपील करने आया हूँ, एक गरीब बहनों और भाइयों, एक किसान बहनों और भाइयों, मेरी माताओं बहनों और मेरे भांजे भांजियों, अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा और अच्छा इंसान हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत और ईमानदारी से आपकी सेवा की है, तो इस बार मऊगंज का इतिहास बदल दो बहनों और भाइयों, इतिहास बदल दो, भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिखा दो। मैं समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण करूंगा, समृद्ध मध्य प्रदेश, बीमारू से मैंने विकासशील बनाया, विकसित बनाया, और समृद्ध मध्य प्रदेश जहाँ हर गरीब की इज्जत मान और सम्मान होगा। मेरा खजाना गरीबों के लिए खुला रहेगा, किसानों के लिए खुला रहेगा। कांग्रेस जो पैसा बड़े लोगों पर खर्चा करती थी, मैं गरीबों पर खर्चा करके उनकी जिंदगी बदल दूंगा, मऊगंज क्षेत्र की तस्वीर बदल दूंगा, और यहाँ की जनता की तकदीर बदल दूंगा। एक बार अपने शिवराज को भरोसा तो करके देखो भाइयों, प्रदीप पटेल समर्थ दिल से भी है, इनको आपका आशीर्वाद मिले, भाजपा के नेतृत्व को आपका आशीर्वाद मिले, और एक बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, एक स्वर से उधर तक बताएं सबका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, प्रदीप को विधायक बनाएंगे। तो आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, किस बार मामा के साथ, बेटा के साथ, भैया के साथ, कमल के फूल के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथों पर उठाते